अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों से जो बात शेयर करनी है वह है सॉफ्ट फूड के ऊपर, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो शौक में अभी नए हैं, जिन्हें नहीं पता कि सॉफ्ट फूड क्या होता है, ये कब यूज़ कराते हैं, ये कैसे बनता है। तो आप दोस्तों को ये सारी बातें इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। फ्रेंड्स, सॉफ्ट फूड बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो सॉफ्ट फूड के रिलेटेड कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आप दोस्तों को मैं ना बता पाऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूं कुछ बातें जो आप दोस्तों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत ही ख़ास भी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पूछते हैं कि सॉफ्ट फूड किस चीज़ से बनता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि सॉफ्ट फूड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं फ्रेंड। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉफ्ट फूड बनाते हैं। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं आप दोस्तों के लिए हर तरीका ही जो आप दोस्तों को बताने की कोशिश करूंगा, मुकम्मल तौर पे गाइड करने की कोशिश करता रहूंगा कि सॉफ्ट फूड बनाने के कौन कौन से तरीके हैं जो मैं यूज़ करता हूं। कुछ दोस्त जो है वो दालदाने को सॉफ्ट फूड कहते हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो अंडे और ब्रेड को सॉफ्ट फूड कहते हैं, कुछ दोस्त इसे एग फूड कहते हैं। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों के जहन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि सॉफ्ट फूड जो हो वो दालदाना हो, चाहे वो अंडा और ब्रेड हो, जो नरम गज़ा है बर्ड के लिए वो सॉफ्ट फूड है। उसको बनाने के अभी कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो मुकम्मल तौर पे अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए होगी एक ये चीज़ जिससे अंडे को आपने मैश करना है। इससे जो है वो छोटी छोटी सवैयाँ बन के अंडे के नीचे से निकलेंगी। और इसे आप दोस्तों की आसानी के लिए मैं बता दूं कि ये गाजर और मूली वगैरह जिससे कश करते हैं ये वो चीज़ है। आपने ब्रीक जाली ब्रीक सुराख वाली ये जाली लेनी है। इसमें एक बड़े सुराख वाली भी होती है और मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन भी होते हैं इसमें। तो आपने कोशिश करना है कि जो सबसे ज़्यादा बारीक हो वो वाली आपने जाली का इस्तेमाल करना है। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही ब्रीक सी सवैयाँ बनेंगी। और उसके बाद आ जाती है ब्रेड। ब्रेड को फ्रेंड्स आपने जो है वो चॉपर में बहुत ही ज़्यादा ब्रीक करना है। ये भी आप देख ही रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इसे मैश किया हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है कि ब्रेड के पीस को आप अच्छे तरीके से जो है वो मैश कर लें, इसे बारीक कर लें। कुछ दोस्त जो हैं वो ब्रेड के बजाय रस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि बर्ड जो है वो उसे खुश होकर खाते नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल करें, ना ही मिल्की का और ना ही ब्राउन ब्रेड का। वाइट ब्रेड से आपके बर्ड जो हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, इन्हें मोशन नहीं लगेंगे और ये इसे खाएंगे भी अच्छे तरीके से। और आप दोस्तों को मैं बताता चलूं कि ब्रेड का काम होता है कि अंडे में जो पानी होता है ये इसे सक कर लेती है, रस भी यही काम करता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ये बर्ड के अंदर भी जाता है और इससे बर्ड को काफ़ी फ़ायदा भी होता है। और सबसे ज़रूरी बात कि आपने ब्रेड के कितने पीस जो हैं वो लेने हैं। ये फ्रेंड्स आपने अपने बर्ड के हिसाब से ही ब्रेड का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है आपके पास 10 पेयर हैं और आप पांच पीसेस जो हैं वो ब्रेड के ग्राइंड करके बैठ जाएं तो आपके बर्ड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड बन जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने सॉफ्ट फूड को अपने बर्ड्स के हिसाब से ही बनाएँ। उसके बाद आपके बारी आ जाती है ये एग्स की। एग्स आपने फ्रेंड बहुत ज़्यादा उबालने हैं। सख्त किस्म का आपने अंडा इस्तेमाल करना है। अगर आप जो है वो कच्चा पक्का अंडा इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी जो है वो एक अजीब सा मिक्सचर बन जाएगा ब्रेड के साथ मिलके। तो आपने कोशिश करनी है कि अंडे को आपने जो है वो अच्छे तरीके से उबाल लें। तकरीबन 15-20 मिनट तक इसे उबालने के लिए रख दें हल्की आँच में। उसके बाद आपका जो अंडा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पक जाएगा, जिसे बर्ड जो है वो बड़े शौक से खाते हैं, बजाय उस अंडे के जो कच्चा पक्का होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास होनी चाहिए केटी की फीड। ये इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप फीड का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेंगे तो आपके बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड को नहीं खाएँ। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। आपने एग को पकड़ना है और इस जाली के ऊपर जो है वो दबा के
ये आप देख रहे हैं नीचे जो है वो इसकी सरियां बनना शुरू हो गई हैं। ऐसा ही एग आपने बॉईल करना है। फ्रेंड्स अभी आपके सामने है ये एग का, आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा जो है वो एग उबला हुआ था और इसकी सेवैयां आपके सामने ही हैं। आपने ऐसे ही अंडे को करना है अच्छे तरीके से मैश और उसके बाद आपने इसे हिलाना है जब तक ये एक जान ना हो जाए ब्रेड के साथ ये मिलके। अच्छे तरीके से आपने हिलाते रहना है कि ब्रेड जो है वो कहीं पे ब्रेड और कहीं पे एग जो है वो ना रह जाए, सारा एक जान हो जाए। और कोशिश करना है कि आपने बर्तन जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो है वो पानी ना हो, क्योंकि पानी अगर इसको ब्रेड को लग जाता है तो वो एक अजीब सा मिक्सचर बन जाएगा जो आपके बर्ड जो है वो नहीं खाएंगे। और सॉफ्ट फूड आपने अपने बर्ड्स के हिसाब से बनाना है। और बाद दोस्तों के जहन में ये सवाल होगा कि इन्हें देना कितना है, एक पेयर को मैं कितना दे सकता हूँ, तो आपने फ्रेंड्स कोशिश करनी है कि अपने एक पेयर जिसने ब्रीड ना की हो उसे ये बड़ा चम्मच जो है आपके सामने है इतना आपने सॉफ्ट फूड यूज़ कराना है। उम्मीद आपको नज़र समझ आ गई होगी, इतना सॉफ्ट फूड आप एक बर्ड को यूज़ करा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अंडे का इस्तेमाल भी आप दोस्तों ने नहीं कराना, क्योंकि अगर गर्मी में अब बजीज को आप ये यूज़ कराएंगे तो उसे हो सकता है कि मोशन लगने का ख़तरा हो। तो आप कोशिश किया करें कि जैसे ही थोड़ा गर्मी का मौसम आ जाए तो आप सिर्फ उसी बजीज के पेड़ को ये सॉफ्ट फूड दें जिसके बच्चे निकले हुए हों, दूसरे पेयर्स को आप ये सॉफ्ट फूड ना दें, क्योंकि बजीज में ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इन्हें मोशन लगने का ख़तरा होता है। इसके अलावा आप कोशिश किया करें कि लबड़ को भी बहुत ज़्यादा यूज़ ना किया करें। बहुत ज़्यादा अंडे का इस्तेमाल कराने से इन्हें चर्बी हो सकती है जिसकी वजह से वो दोबारा अंडे देने के काबिल नहीं रहती फीमेल। तो आप कोशिश करें कि सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल जो है वो अगर उसने बच्चे दिए हुए हैं तो फिर जो है वो तकरीबन बड़ा चम्मच आप दें, अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो फिर आपने कोशिश करना है कि इतना आपने एक वक्त में उसे सॉफ्ट फूड दें दिन में। तो बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि ये हफ्ते में एक बार यूज़ कराना है या डेली यूज़ कराना है, तो मैं आप दोस्तों को बता दूं कि आपने ब्रीडिंग सीज़न में ये डेली यूज़ कराना है, हफ्ते में एक दफ़ा या हफ्ते में दो दफ़ा तीन दफ़ा वाला कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बजीज की अगर चिक्स निकाल के बैठे हुए तो बच्चों को अच्छे तरीके से फीड नहीं कराएंगे। लबड़ भी ऐसा ही करता है कि अगर आप सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को नहीं देंगे तो वो बच्चों को पालना भी छोड़ देते हैं। और कॉकटेल में तो ये बहुत ही आम बात है कि अगर कॉकटेल को सॉफ्ट फूड ना डले तो वो बच्चों को पालना छोड़ देता है, अगर पाल भी लेता है तो वो बच्चे इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करते और बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आप अगर सॉफ्ट फूड कराएंगे तो आपके चिक्स जो हैं वो बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार पलेंगे। अभी बारी आती है इसमें फीड की, तो आपको मैं बता दूँ कि फीड आपने कितनी इस्तेमाल करनी है। ये केटी की हैंड फीड है, आप कोई और भी फीड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट है अगर एग फूड के साथ आप केटी की हैंड फीड को यूज़ कराते हैं तो फ्रेंड आप देखेंगे कि आपके चिक्स जो है उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से वो पलेंगे, चाहे उसके पैर के नीचे छः बच्चे हों, पाँच बच्चे हों, जितने भी बच्चे हों, फ्रेंड आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। ये आपने चार अंडों के ऊपर तकरीबन दो चम्मच डालने हैं। आप दोस्तों को फिर मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा फीड का इस्तेमाल करने से बर्ड जो है वो फीड को नहीं सॉफ्ट फूड को नहीं खाएंगे। तो आपने कोशिश करना है कि नॉर्मल सा इसमें फीड का इस्तेमाल करना है। इसको अच्छे तरीके से हिला लें फ्रेंड्स। अगर आपके
बर्ड्स में कैल्शियम की कमी है या उन्हें विटामिन्स की कोई डेफिशिएंसी हो गई है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी मटेरियल आपने यूज़ कराना है, चाहे वो विटामिन है चाहे वो कैल्शियम है, तो आप कोशिश यही किया करें कि आपने उसे सॉफ्ट फूड के ऊपर ही दें, क्योंकि सॉफ्ट फूड जो है वो सारे का सारा बर्ड खाता है। और पानी में भी कुछ दोस्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी में डालने का ये नुकसान होता है कि बर्ड जो है वो एक दो सिप लेके उसके बाद पानी नहीं पीते, और आपको पानी जो है वो 8-10 घंटे या 12 घंटे के बाद पानी को चेंज करना पड़ता है। तो आप कोशिश यही किया करें, चाहे आप कैल्शियम यूज़ कराएं, चाहे आप विटामिन कोई भी यूज़ कराएं, कुछ दोस्त जो वाटर एनएम इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो है वो ओमनीविट इस्तेमाल करते हैं, और फर्टिलिटी के लिए कुछ दोस्त जो है वो ओमनीविट फर्टिविट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ फर्टी ऑयल का, और इसी तरह की हज़ारों मेडिसिन है, और आप पता नहीं लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। तो आपने कोई भी जो है वो चीज़ यूज़ करानी है तो कोशिश किया करें कि आप जो है वो उसे सॉफ्ट फूड पे ही दें, क्योंकि वो बर्ड जो है वो खाएगा ही खाएगा, और उसका आप दोस्तों को 100% जो है वो उसका रिजल्ट मिलेगा। कुछ दोस्तों का ये कहना है कि उनके बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड को खाते नहीं, तो मैं क्या करूं? तो आप दोस्तों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड को नहीं खाते तो आपने इन्हें पहले सॉफ्ट फूड पे लगाना है। लगाना कैसे है कि आपने रात को उनका दाना निकाल देना है, सुबह 7-8 बजे आप जो है वो सॉफ्ट फूड उनके आगे रख दें। उनकी मजबूरी होगी कि 1-2 दिन बाद वो खाना शुरू कर देंगे, और आप फिर 12 बजे या 11-12 बजे के करीब दाना जो है वो दोबारा लगा दें। ऐसा नहीं कि आप भूल ही जाएं और बर्ड जो है वो दाने की वजह से एक्सपायर हो जाए। आपने 1 हफ्ते तक ऐसा करेंगे तो आपके बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड पे लग जाएंगे, उन्हें खाना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब भी ब्रीडिंग सीज़न आएगा, उनके चिक्स निकले हुए होंगे, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, बर्ड जो है वो खुद बहुत इसे खाना शुरू कर देगा और बड़े शौक से खाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आप दोस्तों की मुझे सपोर्ट मिलती है और मुझे मज़ीद अच्छा काम करने का मौका भी। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।